हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में नेशन का पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों लगभग हम लोग जो है 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें जो है आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे दोस्तों वीडियो समझने में आपको और यह आसानी हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है, द ओल्फ सेड टू द लैम्प, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। देखिए दोस्तों इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, भेड़िए ने मेमना से कहा, तुम पानी गंदा क्यों कर रहे हो। देखिए दोस्तों हमारा सबसे ध्यान देना आपको ये है कि देखिए जब कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट चेंज करने के लिए मिलता है, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि हमेशा जो है आप जो है सेंटेंस को पहले पहचानने का प्रयास करिएगा। देखिए जब कभी भी यदि आपका यहाँ पे स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव आएगा, तो दोस्तों जो हमारा ये सेड होता है उसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। और दोस्तों जब कभी भी आपका जो स्पीच का हमारा सेंटेंस होता है यदि ये इंट्रोगेटिव में, और कभी यदि हमारा स्टार्ट होता है किसी ये हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आता है दोस्तों, तो उस सेंटेंस को इंडायरेक्ट में हम कंबाइन करने जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब कभी भी हमारे सेंटेंस स्टार्ट किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है, तो दोस्तों कभी भी हमारे इसमें कंजक्शन इफ या वेदर नहीं आता है, क्वेश्चन वर्ड या करके हमारे इसका कंजक्शन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर सही प्रकाश लिख दिया गया है, द ओल्फ आस्क, देखिए दोस्तों सेट टू बन गया हमारा आस्क्ड, द लैम्प, और देखिए कंजक्शन हमारे यहाँ पे खुद आके बन गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। और देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव हमारा चेंज होकर बन जाता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसके लिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ लिखा गया आर यू, लेकिन इसका देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया आपका सी वॉज। तो दोस्तों इसमें जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव में हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब आता है एंड उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन दोस्तों जब इसको हम चेंज करते हैं असर्टिव में, तो पहले हमारा इसमें सब्जेक्ट आता है, देन दोस्तों इसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया गया है वॉइस सी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका यू प्रोनाउन है इसको हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज कर देंगे यहाँ पे सी में। देखिए बता दे रहे हैं आपको एक बार सही प्रकार से, जब कभी भी दोस्तों आपको स्पीच में जो है यू मिल जाएगा, यू से या कोई हमारा यू से बना प्रोनाउन मिल जाएगा, यू है देन आपको यू मिल गया बीच में कहीं पर, एंड मिल गया योर, एंड मिल गया यहाँ पे योर्स, तो दोस्तों ये जो हमारा यू का जो फैमिली होता है, ये पहले बता देगा था आपको फर्स्ट वीडियो में, ये दोस्तों हमेशा चेंज होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से। और देखिए जब कभी भी यदि आपका यहाँ पे यू आया है, देन फिर यू आ गया है, एंड यहाँ पे योर है, एंड योर है, योर्स है, तो दोस्तों ये हमेशा जो होता इसके जो है ये जेंडर के अनुसार चेंज होगा। जैसे दोस्तों आपका ये जेंडर रहेगा उसी प्रकार से इसका प्रोनाउन ये दोस्तों ले लेता है। यदि इसका जेंडर यहाँ पे मेल है तो दोस्तों यहाँ पे ले लेगा वही, यदि इसका जेंडर फीमेल तो उसको ले लेगा यहाँ पे सी। और लेकिन दोस्तों ध्यान देने की बात ये भी आपको कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसके अनुसार दोस्तों आपको सही प्रकार का प्रोनाउन हमारा चेंज करना रहता है, ये नहीं कि आप जो पाएंगे उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जेंडर बताया गया इसका फीमेल है, इसीलिए दोस्तों इसको देख करके प्रोनाउन हमारे यहाँ पे सी आ गया। एंड देखिए हमारा रिपोर्टिंग हमारा जो ये स्पीच का जो हमारा टेंस दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो बदल के बन जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए इसका आंसर लिख दिया गया है सी वॉज मेकिंग द वाटर डर्टी। तो देखिए इसका पूरा आंसर सही प्रकार लिख दिया गया है, द ओल्फ आस द लैम्प वॉइस सी वॉज मेकिंग द वाटर डर्टी। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा गया है द ओल्फ सेड यू हैव बिकम टैकटिव, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से ओल्फ आ गया है, ओल्फ ने कहा किससे कहा, समझ लीजिए यहाँ पर लैम्प से कहा, लैम्प से कहा यू हैव बिकम वेरी टैकटिव, तुम बहुत ही बातूनी हो गए हो, देन दोस्तों आगे बोलता है बी साइलेंट शांत हो जाओ, अदरवाइज आई विल ईट यू, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो देखिए हमारा सेंटेंस जो है ये सेंटेंस दोस्तों हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लीजिएगा आप असर्टिव सेंटेंस है, देन दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों इन दोनों सेंटेंस के पार्ट को हमको सही प्रकार देख करके दोस्तों इसको हमें डायरेक्ट में यहाँ पे चेंज कर देना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग,
देखिए लिखा गया है द वुल्फ सेड, और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सेंटेंस असर्टिव का था इसलिए हमारा यहाँ पे कंजक्शन आ गया है दैट। और देखिए उसके बाद इस यू को जो है यहाँ दोस्तों हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लिए, सपोज करिए मान लिया हमने यहाँ पे लैम्प, दोस्तों इसके अनुसार से हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट आ गया है सी। और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हैज या हैव जब कभी भी आएगा आपका तो वो चेंज हो जाता हमारा हैड में, लेकिन दोस्तों ध्यान देने की बात ये भी आपका कभी भी हम लोग डायरेक्ट इसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा जरूरी ध्यान देना होता हमें कि हमेशा जो है हमें दोस्तों अपना रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान देना है। यदि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आएगा दोस्तों तो कभी भी रिपोर्टेड डिस्पीच के टेंस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी हमारा दोस्तों ये पास्ट टेंस में आएगा, कहने का मतलब कि ये पास्ट टेंस में आएगा सेट करके आएगा, तो दोस्तों हमेशा हमारा जो स्पीच का टेंस होता है इसको देख करके उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस में ही। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे दे दिया गया हाइड हैव चेंज कर दिया हमने हाइड में। देन दोस्तों अगर लिखा है बिकम वेरी टॉकेटिव, एंड देखिए यहाँ पे जो अभी ऑर्डर दिया गया था, देखिए दोस्तों बताया गया अभी आपको ये सेंटेंस जो हमारा इम्परेटिव है और उसको दोस्तों सही प्रकार से मीनिंग समझ करके जो है इसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए इसको दोस्तों हम यहाँ पे इसका वर्ब यूज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया है द वुल्फ सेड दैट सी हैड बिकम वेरी टैकेटिव, एंड देखे दोस्तों जो आगे बोलता है यहाँ पे एंड ऑर्डर, और जो है भेड़िया उसको आदेश देता है, क्या देता है, टू बी साइलेंट, शांत हो जाओ अदरवाइज। और देखे दोस्तों जो हमारा आई आता है, जब कभी भी आपको कोई भी यहाँ पे स्पीच में आई के फैमिली का पार्ट मिल जाएगा, आई मी माई या माइन, तो देखिए दोस्तों ये हमेशा जो होता है हमारा ये चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जिस प्रकार से हमारा ये प्रोनाउन का हमारा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों जो है हम इसको जो यहाँ पे ला करके चेंज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों आई हमारा सब्जेक्टिव केस है इसलिए इसको जो है हम देखेंगे यहाँ पे इसके ओल्ब के अनुसार से चेंज कर देंगे दोस्तों इसको हम ही में ही वुड, और देखिए हमारा विल को हम चेंज कर देंगे यहाँ पे वुड में या शुड में, एंड उसके बाद में हमारा जो यू है उसको जो है इसके अपडेट को देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे दोस्तों उसको हम लोग हर में। तो देखिए इसका आंसर फिर से बोलते हैं सही प्रकार से हम द ओल्ब सेड दैट सी हैड बिकम वेरी टैकेटिव एंड क्या है भेड़िया दोबारा उसको देता आदेश टू बी साइलेंट, शांत हो जाओ नहीं तो वह उसे खा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्पीच का जो हमारा पार्ट है ये जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस का है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है ये हमारा लेट के साथ आया। देखिए दोस्तों जब कभी भी आपका लेट के साथ में अस आएगा तो दोस्तों हमेशा जो होता है हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो दोस्तों ध्यान देने की बात आपको ये है कि जब कभी भी हमारा यहाँ पे लेट अस आएगा तो हमारा सेट चेंज हो जाएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, और दोस्तों हमारा लेट अस के साथ कंजक्शन हमेशा दैट आता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेट अस का जो हमारा अस होता है पहले उसको हम चेंज कर देते हैं वी या दे में, और उसके बाद लेट को दोस्तों हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे शुड में। तो देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं फिर से एक बार, इसका आंसर आएगा ही प्रपोज्ड कंजक्शन दैट आएगा दोस्तों, एंड इसके अनुसार से हमारा ये वी या दे बन जाएगा और दोस्तों लेट आके बन जाएगा शुड में, एंड आगे जो हम उसकी बात पूरी कर देते हैं लेट, फिर क्या है वी दे ना वी या दे शुड नॉट स्टॉप टिल। और दोस्तों देखिए जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे आपको बता दिया गया था पहले कि जो हमारा कभी भी यदि आपके स्पीच में वी आता है तो दोस्तों हमेशा इनडायरेक्ट में चेंज होता है हमेशा ये दे में ही। तो देखिए इसका दे दिया यहाँ पे दे रीच्ड, और देखिए यहाँ पे रीच लिखा गया था दोस्तों ये आपका इंडिफिनिट में था इसलिए उसको दोस्तों हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, इसका बन गया हमारा सेकेंड फॉर्म रीच्ड। और देखिए जिस प्रकार से हमारा वी से बन गया था अभी यहाँ पे दे, और दोस्तों इसी प्रकार से हमारा आवा से बन जाएगा यहाँ पे दियर। तो देखिए इसका आंसर आ गया ही प्रपोज्ड दैट वी या दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच दियर गोल।
दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है जो लेटेस्ट वाला होता है, लेकिन दोस्तों सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमें सिर्फ क्या है कर देना, आपको सेड को चेंज कर देना प्रपोज्ड में सजेस्टेड में, एंड इसमें कंजक्शन हमारे यहाँ पे देखिए टू नहीं लगाना, आपको कंजक्शन लगा देना है यहाँ पे दैट, एंड उसके बाद अस को चेंज कर देंगे वी या दे में, लेट को चेंज कर देंगे हम लोग शुड में, एंड उसके बाद जो कुछ दोस्तों हमारा होगा उसको हम सही प्रकार से चेंज कर देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिखा गया यहाँ पे, ही सेड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। देखिए दोस्तों इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, उसने मुझसे कल कहा कि आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, कि कल मैं तुम्हारी पुस्तक या तुम्हारी किताब वापस कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा से अलग दे दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए ही सेड टू मी, देख लीजिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ही यहाँ लिख दिया गया यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों यस्टरडे हमारा चाहे यहाँ पे आता है चाहे कहीं भी स्पीच में आता है, उसको दोस्तों हमेशा जो होता है हम चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में। तो देखिए समझते हैं सही प्रकार से इसको हम लोग देखिए, और देखिए हमारा जो ये स्पीच का जो हमारा टेंस है या हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों हमारा असर्टिव में है, दोस्तों हमारा सेंटेंस असर्टिव में, तो उसको थोड़ा सही प्रकार चेंज कर देंगे हम लोग। देखिए लिखा गया ही, और देखिए दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस आपका असर्टिव में होता है तो सेड टू चेंज हो जाता है हमारा टोल्ड में, एंड उसका हमारा ऑब्जेक्ट आएगा यस्टरडे दोस्तों बन गया था प्रीवियस डे। और देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होते हुए हमारा कंजक्शन बन गया यहाँ पे दैट जोड़ देंगे ला करके उसको, उसके बाद आई को चेंज कर देंगे ही के अनुसार से ही बन जाएगा, और दोस्तों इस विल को हम लोग शुड या वुड में चेंज कर देंगे। देन आगे दोस्तों जो कि हमारा प्रोनाउन जो लिखा गया यहाँ पे ये योर हमारा इस ऑब्जेक्ट के लिए आता है दोस्तों जो कि पोसेसिव केस में, इसको देख करके इसको हम चेंज कर देंगे माई में। देन दोस्तों देखिए आगे हमारा यहाँ पे लिखा गया फॉर टुमारो, देखिए टुमारो जब कभी भी आएगा दोस्तों तो आपको इंडाइट में चेंज कर देना उसको द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में चेंज कर देना है। तो देखिए इसका पूरा आंसर लिख दिया गया है ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे, दोस्तों इसके अनुसार से आ गया कंजक्शन दैट आ गया, आई चेंज कर दिया हमने ही में, इसको चेंज कर दिया शुड में, और दोस्तों देखिए योर चेंज कर दिया हमने इसको माई में। तो देखिए इसका आंसर फिर से बोल दे रहे हैं सही प्रकार से, ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे दैट ही शुड रिटर्न माई बुक द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है राहुल सेड गुड नाइट प्रशांत वी विल मीट अगेन टुमारो। देखिए दोस्तों यहाँ पे राहुल जो है ये प्रशांत से कहता है गुड नाइट, और दोस्तों आगे कहता है कि हम सब या हम कल दोबारा फिर मिलेंगे। तो देखिए इसका आंसर देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए जब कभी भी आपको स्पीच के पार्ट में गुड नाइट मिल जाए, आपको चाहे गुड बाय करके मिल जाए दोस्तों, तो इसको जब हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो देखिए जो हमारा सेड होता है वो चेंज हो जाता है हमेशा बेड में। तो देखिए इस कांसर लिख दिया यहाँ पे राहुल बेड, यहाँ पे उसका दोस्तों हमारा गुड नाइट का पार्ट आ गया, और देखिए दोस्तों ये लिखा गया था हमारा वोकेटिव केस में, इसको ला करके बना देंगे स्पीच का हम लोग यहाँ पे उसका ओ दोस्तों सॉरी दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब का बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए लिखा गया राहुल सेड चेंज होगा दोस्तों बेड में गुड नाइट प्रशांत, और उसका देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे जो वी है बताया अभी हमने आपको, जब कभी भी आपको वी मिल जाएगा तो दोस्तों उसको हमको साधारण रूप में हमेशा चेंज कर देना है दे में ही। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है दे शुड, और देखिए विल बन गया हमारा शुड या वुड में, मीट अगेन और टुमारो बन गया दोस्तों द फॉलोइंग डे द नेक्स्ट डे। तो इस पूरा इसका आंसर हो गया राहुल बेड गुड नाइट प्रशांत दे शुड या वुड मीट अगेन द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। और देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ही सेड। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सबसे लास्ट में दे दिया गया है, तो देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या आती है कि
ही सेड, उसने कहा, गुड हेवंस, देखा दोस्तों, तो गुड हेवन जो होता है वो दिखाता है एक प्रकार का आश्चर्य की बात करता है या किसी दुख की बात करता है। मतलब जब कोई इंसान दुख महसूस करता है या मतलब कोई भी चीज़ उससे गलती हो जाए, जब उसका दुख फील होता है, जब पछताता है, तो दोस्तों उसके लिए हमारे यहाँ पे डायरेक्ट में गुड हेवंस आता है। तो देखिए इसको हम चेंज कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों जब कभी भी आपको ध्यान देना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेंटेंस के बीच में आए चाहे पीछे आए, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट में सबसे स्टार्टिंग में हमेशा आता है। देखिए दोस्तों इस गुड हेवंस को देख करके हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा ध्यान से इसको। देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। देखिए जब कभी भी दोस्तों आपको सेंटेंस में गुड हेवंस मिल जाएगा तो जो हमारा सेड है आ करके बन जाता है एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। एंड दोस्तों इसमें हमारा कंजक्शन जो होता है दैट, और दोस्तों ध्यान देने की बात हमारी ये है कि इनडायरेक्ट में हम गुड हेवंस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मीनिंग होती है वो निकल जाता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से ही। तो देखिए इसका आंसर लिख देगा ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, और दोस्तों देखिए आई को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार से बन गया करके हमारे यहाँ पे ही। और देखिए बताया गया था अभी आपको कि हैड जो है आपको चेंज कर देना आपको हैड में। ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड इट हाइड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों बहुत ही आसान था हमारा ये। देखिए नीचे भी इसका दिया एक प्रकार से, दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ में हमारा अंतर नहीं है। देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड, देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पे इट को हमने सीधे इसको ला करके जोड़ दिया है, इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, एंड ही सेड, और उसने दोबारा कहा दैट इट हैड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो दोस्तों इसको जो हम दोनों प्रकार से इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पंडित नेहरू सेड टू द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, माय डियर नोबल कंट्रीमैन, आई शैल एवर रिमेन सर्विंग द कॉज ऑफ मदरलैंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा से जानने वाली बात है, जब कभी भी आपको किसी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई अदर चीज़ें मीन्स कोई भी अदर चीज़ से किसी वेकेटिव की बात करते हैं, किसी एड्रेसिव की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो होता है हमारा इनडायरेक्ट में एड्रेसिंग डॉट डॉट दोस्तों ऐड करके आप पढ़ेंगे उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है आपका जो हमारा एड्रेसिंग करके आता है, इसके बाद जो हमारा डॉट डॉट आता है, फिर यहाँ पे ऐड आता है, फिर डॉट आता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये दिखाता है कि एड्रेसिंग यहाँ पे किसको किया जा रहा है दोस्तों, और जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसको, मतलब दोस्तों एड्रेसिंग हम लोग किसको कह रहे हैं और उसको एड्रेसिंग करने के लिए हम कुछ भी चीज़ जो भी कह रहे हैं दोस्तों वो हमारा आता है एज के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया गया है, कहा गया एड्रेसिंग, और देखिए दोस्तों एड्रेसिंग किसको किया गया यहाँ पे, द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसको जो है दोस्तों एड्रेसिंग किया गया, कहने मतलब दोस्तों पंडित नेहरू जी मतलब कि जो है जितने लोग रामलीला मैदान में एकत्र हैं उन सबको मतलब एड्रेसिंग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माई डियर नोबल कंट्रीमैन, मेरे प्यारे श्रेष्ठ देश भाग या देशवासियों, आई शैल एवर रिमेन सर्विंग द काज ऑफ मदर इंडिया, मैं हमेशा जो है भारत माता की सेवा करता रहूँगा। तो देखिए बहुत ही आसान दोस्तों है ये एड्रेसिंग, यहाँ पे कर देंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एड्रेस किया गया, किसको एड्रेस किया गया, द लार्ज गैदरिंग इन द रामलीला मैदान, और देखिए दोस्तों उनको क्या कह दिया गया, उन्होंने क्या कहा, हिज डियर कंट्री मैन, देखिए दोस्तों माई को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पे हीज में। देखिए दोस्तों ये जब कभी बताया गया था आपको आई मी माई मिलेगा तो इसको हमेशा हम चेंज कर देते हैं इसके प्रोनाउन के अनुसार से इसके सब्जेक्ट के अनुसार से। देखो हो गया हमारा ये हीज डियर कंट्री मैन, एंड देखिए जो हमारा ये सब्जेक्ट है अब यहाँ पे ये हमारा पीछे आएगा, पंडित नेहरू सेड यहाँ पे हो गया, उसके बाद जो हमारा यहाँ से देखिए हमारा स्पीच का पार्ट फिर शुरू हो गया, यहाँ पे हमारा कंजक्शन लगा देंगे दैट, फिर आई को चेंज कर देंगे इनके अनुसार से ही वुड ईवर सर्विंग द कॉज ऑफ मदर इंडिया। देखिए दोस्तों एड्रेसिंग वाला जो हमारा होता है थोड़ा ज़्यादा
कठिन नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये होती है कि एड्रेसिंग किसको किया जा रहा है। यहाँ पे उसको लिखेंगे दोस्तों, और दोस्तों उसको एड्रेसिंग मतलब क्या कह के उसको एड्रेस किया जा रहा है, क्या कह के। जैसे लिखा गया यहाँ पे डियर नोबल मैन, तो देखे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ किसको की बात करता है, तो यहाँ पे एड्रेसिंग किसको करता है और क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दे करके इसको आप सही प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बढ़िया पे आ गया है। लिखा गया है हरी सेड टू राम, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, हरी ने राम से कहा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से ध्यान देने की बात है कि हमारा जो स्पीच का जो ये हमारा देखिए सेंटेंस जो है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दोस्तों, इसको देख करके जो हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो सही प्रकार चेंज कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चेंज किया गया वो थोड़ा से गलत हो गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात हमारा। देखिए हरी, और देखिए दोस्तों हमारा यदि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड को दोस्तों हमें चेंज करना था आस्क्ड में, लेकिन हमारे यहाँ पे हो गया टोल्ड। तो दोस्तों इसको आप कट कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा आस्क्ड, हरी आस्क्ड रमेश। और देखिए हमने बताया पीछे जब कभी भी हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा दोस्तों, तो हमारा कंजक्शन यहाँ पे इफ या वेदर आएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हरी टोल्ड राम इफ, और देखिए यू को चेंज कर दिया हमने, इसके अनुसार से बन गया हमारे यहाँ पे ही। अब देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको यहाँ पे दो जेंडर मिल जाए जो कि आपका मतलब कि मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन दोस्तों जब कभी भी आपको यहाँ पे दो जेंडर मिल जाए तो इसको जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको सही प्रकार दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम इसके नाउन को ब्रेकेट में कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों मालूम रहे कि जो हमारा प्रोनाउन आया वो किसके लिए, किस नाउन के लिए आया है। तो यहाँ पे इसका लिख दिया गया है ही दोस्तों, इसको कर देंगे आस्क्ड राम इफ ही। अब देखिए दोस्तों हमारा ही किसके लिए, राम के लिए है, इसलिए दोस्तों हमने इसको लगा दिया यहाँ पे ब्रैकेट में राम। हाइट देखिए हमारा है बन गया हाइट कंप्लीटेड, और देखिए दोस्तों हमारा योर भी राम के लिए आया था दोस्तों, इसको चेंज कर दिया हमने प्रोनाउन में, इसमें चेंज कर दिया और ये राम के लिए आया था, इसलिए यहाँ पर राम्स होमवर्क। तो यहाँ पे आएगा हरी आस्क्ड राम इफ ही हाइट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो दोस्तों ये जो आपका जो नाउन जो ब्रेकेट में कर दिया गया है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो आपकी बातों को सही प्रकार से वो समझ जाए। और देखिए दोस्तों इसका अभी आगे पार्ट ये भी लिखा गया है। अब देखिए राम जवाब दे रहा है, राम सेड नो, राम ने कहा नहीं, उसने गृह कार्य नहीं पूरा किया है। तो देखिए जब कभी भी यहाँ पे आपको यस या नो करके आएगा तो हम सेड को चेंज कर देंगे रिप्लाइड में या आंसर्ड में। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया राम, रिप्लाई राम ने जवाब दिया, कंडक्शन दैट आएगा कि ही हैड नॉट, उसने पूरा नहीं किया है। देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको यहाँ पे एस आ जाएगा तो इसको चेंज कर देना। आपको देखिए यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा और जो भी यहाँ पे हेल्पिंग होगा दोस्तों हमारा आके यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा। यदि यहाँ पे यस है तो सिर्फ हमारा आता है यहाँ पे ही हैड, यदि दोस्तों हमारा यहाँ पे नॉट में आएगा तो हमारा हो जाएगा ही हैड नॉट। तो देखिए यहाँ पे राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, और देखिए पीछे बताया गया तो ऐसे भी आपको कि हम नो को जो है डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा राम रिप्लाइड या आंसर्ड, और दोस्तों इस नो को हटाने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं आंसर्ड इन द नेगेटिव। ओके दोस्तों, फिर देखिए हरी दोबारा पूछता है कि हरी ने फिर कहा, हरी सेड व्हाई, कहने मतलब हरी ने पूछा तुमने गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे एक बार हरी ने कोई बात पूछ ली थी दोबारा, लेकिन जब दोबारा पूछता है उसके लिए हमारा क्या जाएगा, हरी आस्क्ड अगेन। देखिए दोस्तों जब कभी भी दोबारा कोई बात कहते हैं, कोई बात पूछते हैं, तो वहाँ पे हमारा अगेन या फर्दर करके लगाना होता है, जिससे कि आपका आंसर सही रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा हरी आस्क अगेन। अब देखिए यहाँ पे वाई था दोस्तों, इसलिए हमने लगा दी वाई, एंड उसका जो हमारा ऊपर का पार्ट था आपका यहाँ से लाकर इसको हमने सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देने की बात, ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ईजी है कि आपको इतना काम कर देना बस। यहाँ पे वाई ही हैड नॉट, मतलब हरी दोबारा पूछता है कि उसने गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया। अब देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पर राम जो है रिप्लाई कर रहा है, देखिए राम एक बार रिप्लाई ऊपर कर चुका है, अब देखिए दोबारा कर रहा है, राम
सेड बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। राम ने कहा क्योंकि मुझे जो है ये कार्य करने के लिए, समाप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए टाइम नहीं मिला, या मैं टाइम नहीं पा सका। तो देखिए इसका नीचे लिख दिया गया यहाँ पे आंसर, राम रिप्लाइड अगेन दैट। देखिए दोस्तों यहाँ पे दैट आप करेंगे या ना करेंगे, फिर भी आपका आंसर यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे दैट कर दिया था आपको, देखिए ये भी गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे आएगा राम रिप्लाइड, यहाँ से सेम कॉपी कर देंगे, बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कम्प्लीट इट। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कंडक्शन दैट को रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है बिकॉज हमने नहीं लगाया, आपको लगा दिया लगा यहाँ पे बिकॉज। आंसर आएगा राम रिप्लाइड अगेन बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए दोस्तों अगला हमारा सेंटेंस फिर से आ गया यहाँ पे एड्रेसिंग वाला, लिखा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट माई सन वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू मेक योर करियर। देखिए दोस्तों यहाँ पे टीचर जो है एड्रेसिंग कर रहा है किसको, विद्यार्थी को, और दोस्तों उसे क्या कह के एड्रेस किया है, माई सन कह के। तो देखिए दोस्तों इसको हम चेंज कर देंगे, एड्रेसिंग और किसको किया गया, द स्टूडेंट आइज। देखिए दोस्तों माई को फिर से चेंज कर दिया हमने इसके अनुसार से, हिज में हिज सन, एंड उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का पार्ट यहाँ पे पीछे आएगा, द टीचर एडवाइज। देखिए दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का थोड़ा सा आपको सेंटेंस पहचानना सही प्रकार। देखिए हमारा सेंटेंस दोस्तों यहाँ पे असर्टिव नहीं, इम्परेटिव है। इसको देख करके दोस्तों हमने जो हमारा यहाँ पे सेट था ये पूरा देखिए हमारा यहाँ पार्ट आ गया दोस्तों, द टीचर, और दोस्तों इसकी निकाल करके मीनिंग हमने सेट को चेंज कर दिया एडवाइज। और देखिए जब कभी भी यहाँ पे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से दोस्तों, तो वहाँ पे हमेशा हमारा कंजक्शन टू आता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि जब कभी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है यदि वो स्टार्ट होता है हमारा किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से दोस्तों, तो हमेशा वहाँ लगाना हमें कंजक्शन टू, उसके बाद में हमें जो उसको सही प्रकार से चेंज कर देना दोस्तों। तो इसका आंसर लिख दिया यहाँ पे, एड्रेसिंग द स्टूडेंट, देखिए दोस्तों विद्यार्थी को एड्रेसिंग कर रहा है अपने पुत्र के समान कह रहा है, द टीचर ने एडवाइस दिया कि यदि उसको सफल होना लाइफ में तो उसको दोस्तों कठिन परिश्रम करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, ही सेड दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट्स आर डूइंग नाउ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कह दिया गया है ही सेड, देखिए बहुत नॉर्मल बात कह दी यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस हमारा है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे सेड को सेड कॉपी कर देंगे दोस्तों, इसको हमें किसी चेंज नहीं करना है। देखिए दोस्तों सेड को हम लोग डायरेक्ट टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कभी भी इसके साथ में कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तब तक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ही सेड, अब देखिए कंजक्शन हमारा यहाँ पे दैट आ गया दोस्तों, और देखिए दिस को हम चाहें तो दिस रहने देंगे, नहीं तो दोस्तों इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे दैट में भी। ओके दोस्तों, तो देखिए दोनों प्रकार से मीनिंग आपके सही आएगी, आंसर आपका सही रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा ही सेड दैट दिस या दैट, और देखिए दोस्तों जब कभी हमारे यहाँ पे दिस आएगा तो हम इसका टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, जब इसको दिस को चेंज कर देंगे दैट में तभी दोस्तों इज को चेंज कर देंगे इसको हम वॉज में, अदरवाइज हमारे चेंज कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा दैट ही वॉज वॉट दैट वॉज वॉट दोज स्टेटमेंट्स, और देखिए दोस्तों दिस को भी चेंज कर दिया हमने दोज में स्टेटमेंट्स, और देखिए आर को हमने चेंज कर दिया टेंस के अनुसार से वर में, डूइंग नाउ को चेंज कर दिया देन में। देखिए दोस्तों सब थोड़ा बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग को पहले पढ़ लेना चाहिए इसको समझने से पहले, जिससे कि सेंटेंस समझने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। तो देखिए पूरा इसका आंसर आएगा ही सेड दैट दिस या दैट वॉज वॉट दोज स्टेटमेंट्स वर डूइंग नाउ या देन कर देंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर हमारा, द बॉस सेड आर द मैन रेडी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, बॉस ने कहा क्या आदमी लोग तैयार हो गए हैं, क्या सभी लोग तैयार हो गए हैं। तो देखिए हमारा जो ये सेंटेंस आपका स्पीच का इंट्रोगेटिव है दोस्तों, इसको देख करके हमने जो है यहाँ पे सेड को चेंज कर दिया लास्ट में दोस्तों, और देखिए हमारे यहाँ पे सेंटेंस जो स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो गया इसको देख करके दोस्तों लगाकर कंडीशन हम यहाँ पे इफ हूँ। ओके तो हो गया हमारा द बॉस आस्ट इफ, और देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा बाद में इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, पीछे बता चुके हैं हम लोग।
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जब चेंज हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव में, तो हमेशा इसका उल्टा आता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और इसका हमारे हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आएगा। ओके, तो जाएगा इसका आंसर द बॉस आस्क्ड इफ द मेन वर रेडी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है सी सेड आई लाइक माई हाउस, उसने कहा मैं अपना घर पसंद करता हूँ या मुझे मेरा घर अच्छा लगता है, इसकी दोस्त मीनिंग ये आएगी। तो देखिए अभी सेंटेंस आपका असर्टिव में, तो हमारा बहुत सिंपल बन जाएगा यहाँ पे। सी सेड, यहाँ पे कंजक्शन दैट आएगा दोस्तों, और आई को चेंज कर देंगे, इसके अनुसार से बन जाएगा सी। और देखिए जब कभी भी आपका ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है दोस्तों, तो चेंज हो जाता है हमारे सिंपल पास्ट टेंस में। तो दोस्तों इसको देखते हुए हमने जो लाइक को चेंज कर दिया सेकंड फॉर्म लाइक्ड में, और देखिए माई को चेंज कर दिया हमने इसके अनुसार से हर में, और आगे हमारा चीज़ें आ गई। तो सी सेड दैट सी लाइक्ड हर हाउस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। लिखा आई आस्क्ड हिम आर यू गोइंग, मैंने उससे पूछा क्या तुम जा रहे हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है आस्क्ड कर दिया, यहाँ पे सेड नहीं किया गया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी कि अगर आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आपको आस्क्ड मिल जाएगा तो इसको कभी दोस्तों पलट के आपको सेड या सेड टू में आपको चेंज नहीं करना, उसको ला करके डायरेक्ट में हमको सेम ऐसे ही कॉपी कर देना है। तो देखिए इसका आंसर आ गया आई आस्क्ड हिम। देखो दोस्तों हमारा कंजक्शन यहाँ पे आ गया इफ और यू, इसके अनुसार बन गया यहाँ पे ही। और देखो दोस्तों ये हमारा टेंस चेंज हो गया वॉज गोइंग, तो इसका आंसर आ गया आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज गोइंग। देखो दोस्तों टेंस चेंजिंग करना है थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, नहीं तो देखिए बार बार समझाना पड़ता थोड़ा से इजी, मतलब थोड़ा से आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा समझ लीजिएगा उसको आप लोग। ओके दोस्तों एक बार थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए। हम देखिए प्रेजेंट जो होता हमारा प्रेजेंट इनडिफिनिट दोस्तों हमेशा चेंज हो जाता हमारा वो पास्ट इनडिफिनिट टेंस में। कहने मतलब दोस्तों यदि कभी भी आपको डायरेक्ट में मिल जाता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मिल जाता है साथ में एस या ई एस, तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट में चेंज कर देते हैं ओनली मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए जब कभी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिलेगा तो दोस्तों उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो देखिए जब कभी भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिंपल में इज एम आर, तो दोस्तों हमारा बन जाता हो वाज वर इनडायरेक्ट में। ओके दोस्तों, तो इसके बाद जब कभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों तो चेंज हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहने वाला दोस्तों जब कभी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा हैज या है मिल जाएगा तो दोस्तों इसको हम चेंज कर देते हैं डायरेक्ट में हाइड में। ओके दोस्तों, और देखिए जब कभी भी आपको यहाँ पे डू या डज नॉट करके मिल जाएगा आपको डायरेक्ट में, तो दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर देते हैं हमेशा डिड नॉट में, इसको हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, और साथ में इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देन देखिए दोस्तों आगे बता दे रहे हैं आपको, जब कभी भी आपको यहाँ पे पास्ट इनडिफिनिट टेंस मिल जाएगा, जैसे दोस्तों जब कभी भी आपको डायरेक्ट में मिल जाएगा आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट में जो आता है हमारा वो आता है सेकंड फॉर्म को देख करके हाइड, और दोस्तों साथ में ले लेता है हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जब कभी भी आपको डायरेक्ट भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में मिल जाता है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोस्तों, तो कभी भी इसका हम टेंस यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इसका हमारा समान ही रहता है। ओके, और देखिए कुछ सिंपल बातें हैं जैसे हमारा बताया जाता है कभी कभी, जैसे हमारा कैन बन जाता है दोस्तों इनडायरेक्ट में, कुड में बन जाता है, माइट सेल बन जाता है, सूट विल बन जाता है, उड, तो दोस्तों इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं समझने के लिए सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर लिखा गया सेंटेंस नेक्स्ट है ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, उसने कहा कि मैंने अपनी कलम खो दी। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपका जो स्पीच के यहाँ पर टेंस, ये जो आपका टेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, और जो हमारा सेंटेंस वो हमारा सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे सेड को देख करके सेड ही लगाएंगे दोस्तों, पीछे बता दिया गया कि दोस्तों हमें सेड को डायरेक्ट आपको टोल्ड में नहीं चेंज करना है। जब कभी भी आपको इस सेड के साथ में कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा दोस्तों,
तभी हम सेट को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ओके दोस्तों, आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, हमारा हो जाएगा ही सेट और आई को चेंज कर दिया इसके अनुसार से यहाँ पे ही में। और देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। और देखिए फिर से माई को चेंज करते हैं हमने इसके अनुसार से हीज में। देखिए प्रोनाउन की बात दोस्तों बहुत थोड़ा ध्यान देना वाली बात है आपको, कि प्रोनाउन को सही प्रकार आपको पढ़ लेना है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एक बात थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं आपको हम, पीछे बताया भी दिया गया है कि आई जो होता है हमेशा, और इससे बने जो हमारे जो भी होते हैं इसके हमारे केस आई मी माई माइन, इसको हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार से ही चेंज करते हैं। और जब कभी भी आपको मिल जाएगा यू या यू से बने कोई हमारे जो केस होते हैं दोस्तों, ये हमेशा चेंज होता है इसके मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब के यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार चेंज होता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया है ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है द यूनियन लीडर सेड लेट्स शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। देखिए दोस्तों पीछे आपका सेंटेंस लेट अस करके आया था, लेट अस, और दोस्तों यहाँ पे क्या लिख के आ गया लेट्स। तो देखिए दोस्तों लेट अस हो चाहे लेट्स दोनों चीज़ें हमारे एक ही हैं। तो दोस्तों ऐसे हमने चेंज किया था, पीछे चेंज करते हैं इसको ऐसे हम लोग। देखिए पीछे बताया गया था आपको जब कभी भी यहाँ लेट्स या लेटस करके मिल जाएगा तो दोस्तों सेट को हम चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड में सजेस्टेड में। और यहाँ पे जो होता है हमारा कंजक्शन दैट आता दोस्तों, और जो हमारा अस होता है उसको चेंज कर देते हैं वी या दे में, और लेट बन जाता हमारा शुड। ओके दोस्तों, तो उसको चेंज कर देते हैं नॉर्मली हम लोग। यहाँ पे आएगा द यूनियन लीडर प्रपोज दैट वी या दे शुड सो द बॉसेस दैट, और देखिए दोस्तों वी को चेंज कर देंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे दे में, और हमारा सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका आंसर पूरा आ जाएगा यहाँ पे द यूनियन लीडर प्रपोज दैट वी या दे शुड सो द बॉसेस दैट दे वर यूनाइटेड। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे श्याम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। देखिए दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे लेट अस करके दे दिया गया चीज़ों को आसान करने के लिए, तो चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे श्याम सेड टू दोस्तों बन गया फिर से हमारा प्रपोज्ड, देन इसका ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, और यहाँ पे लेट अस के साथ में कंजक्शन दैट आता है दोस्तों। वी को चेंज कर दिया हमने दोस्तों अस को चेंज कर दिया हमने वी या दे में, लेट को चेंज कर दिया दोस्तों हमने यहाँ पे शुड में जिस पीछे बताया गया था आपको। तो देखिए इसका हो गया श्याम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट वी या दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा गया सी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही थोड़ा से आपको कंफ्यूज करने वाली बात कह दिया गया। देखिए हमारा सेंटेंस यहाँ पे तो देखने में लग रहा है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि देखिए दोस्तों लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया आपका, और सेंटेंस देखिए हमारा स्टार्टिंग यहाँ किसी हेल्पिंग वर्ब से हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि सेंटेंस की मीनिंग क्या, भाव क्या है। देखिए बता रहा सी सेड, उसने कहा वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। ओके दोस्तों तो देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे जब कभी भी किसी प्रकार का आपका ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, जब आपको कोई भी इम्परेटिव का भाव आएगा, मतलब कोई कुछ चीज़ आपको ऑफर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई आपसे विनती कर रहा है दोस्तों, तो उसको सही प्रकार से हमको चेंज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ बहुत ईजी हो जाएगा हमारा। देखिए जब यहाँ पे कोई आपको आमंत्रित कर रहा है दोस्तों, कोई आपको ऑफर कर रहा है किसी चीज़ के लिए कि क्या आप हमारे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको मीनिंग को थोड़ा समझ करके हम लोग सेड को चेंज कर देंगे हम लोग ऑफर्ड में या इनवाइटेड में। और देखिए दोस्तों इतना जो होता है हमारा ये पार्ट हमेशा इसका कट जाता है, और जहाँ पर दोस्तों लगा होता है इसका हमारा इन्फिनिटिव टू, तो दोस्तों वहीं से ला करके सेम उसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फिनिटिव टू नहीं मिलता आपको, तो जहाँ आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों वहीं से ला करके इसको यहाँ पे हम
टू लगा के दोस्तों इसको हम सेंटेंस को कॉपी कर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर बहुत ईजी लिखा गया है, सी ऑफर्ड इन्वाइटेड, क्या आएगा कंजक्शन दोस्तों हमारा टू आएगा, देन हमारा यहाँ से ये पार्ट हमारा दोस्तों सेम कॉपी। दोस्तों इनको हम कभी भी यूज नहीं करते इनडायरेक्ट में, ध्यान रहे आपको हमेशा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, लिखा गया है ही सेड द मैन कम्स, उसने कहा व्यक्ति लोग या व्यक्ति आते हैं, कहा गया दोस्तों व्यक्ति आते हैं या व्यक्ति आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ब जो आपका लग गया है यस यस लग गया, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में निकालेंगे इसका अर्थ हम लोग। तो देखिए बहुत ईजी है यहाँ पे ही सेड, अब देखिए दोस्तों सेंटेंस हमारा यहाँ पे असर्टिव है, इसको देख कंजक्शन लगाया दैट हमने, और देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन था द मैन कर दिया, और देखिए उसके बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट बन गया सिंपल पास्ट। ओके दोस्तों पीछे बताया था हमने आपको जब कभी भी डायरेक्ट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा साथ में मिल जाएगा आपको एस या ई एस दोस्तों, तो इसको हमको चेंज कर देना इन डायरेक्ट में मेन वर्ब के सीधे यहाँ पे सेकंड फॉर्म में। ओके तो देखिए इसका आंसर लिख दिया गया यहाँ पे ही सेड दैट द मैन मैन वेंट। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, उसने देखिए दोस्त उसने हमसे पूछा क्या तुम सब आज यहाँ से जा रहे हो या बाहर जा रहे हो। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव है दोस्तों, इसको देख करके हम लोग जो इसका आप यहाँ पे सेड को चेंज कर देंगे आस्ट में, और देखिए यहाँ पे कंजक्शन आ जाएगा इफ दोस्तों, और इसके बाद हम लोग देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देंगे असर्टिव में। तो इसको देख करके दोस्तों हमारा यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसका देखिए हमारा जो हेल्पिंग और इसके बाद में आएगा। तो देखिए दोस्तों कंजक्शन हमारा आ गया इफ, और इसका देखिए यू को हमने चेंज कर दिया आज के अनुसार से ये बन जाएगा वी, और देखिए हमारा ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा बताया गया था पीछे कि दोस्तों बन जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे वी आर गोइंग अवे, और देखिए टुडे दोस्तों बन जाता है हमारा दैट डे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए सेंटेंस आपका बहुत ही बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत ही इजी है दोस्तों, थोड़ा सा समझिए इसको आप लोग। लिखा गया है द टीचर बिकम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड, देखिए दोस्तों बताया गया कि टीचर जो है वो बच्चे से विद्यार्थी से गुस्सा हो जाता है और कहता है व्हाई हैव यू डिस्टर्बड मी डिस्टर्बड द क्लास इन दिस वे, तुम कक्षा को इस प्रकार से डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो या क्यों किए हो। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं तुमसे पहले ही कहा है दैट कि व्हेन आई एम स्पीकिंग यू, जब मैं तुमसे कहूँ शुड बी साइलेंट, तब तुम शांत रहा करो। अब फिर क्या दोस्तों आगे बोलता है लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टूडे, बोल रहे हैं यहाँ पे देखे दोस्तों ऑर्डर दे दिया गया कि इसी समय जो है तुम यहाँ से कमरे से निकल जाओ, और दोस्तों बताया गया कि आज दोबारा लौट करके मत आना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो सेंटेंस दोस्तों इंट्रोगेटिव बता दिया गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इंट्रोगेटिव है, देन देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपका सिंपल सेंटेंस था लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये ऑर्डर देने का काम कर रहा है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव है, ये असर्टिव है दोस्तों, और ये दोस्तों आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसको सही प्रकार से पूरे भाव के अनुसार दोस्तों हमको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना आप। तो देखिए नीचे इसका आंसर लिखा गया है द टीचर बिकम एंग्री विद द स्टूडेंट, और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों इसलिए हम सेट को चेंज कर देंगे आस्क्ड, और कंजक्शन देखिए दोस्तों हमारा खुद का क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा व्हाई, और देखिए यू चेंज करेंगे इसके अनुसार से बन जाएगा ही, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों बन जाता है बताया गया था पास्ट परफेक्ट में बन गया यहाँ पे हाइड डिस्टर्ब द क्लास इन, और देखिए दिस चेंज कर दे दैट में इन दैट वे, उसके बाद देखिए आई दोस्तों बताया गया था कि जब कभी भी आएगा, तो ये दोस्तों सीधे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है मतलब द टीचर के लिए आएगा। तो देखिए दोस्तों इनको देख करके हम आई को चेंज कर देंगे ही, और क्या आएगा यहाँ पे आएगा हाइड ही। ओके दोस्तों कहाँ गया, आई हैव
हाँ यहाँ बता रहा कि देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करने के तरीके से बताया गया कि आई को हमने चेंज कर दिया दोस्तों ही में। और देखिए जब वही बात मतलब दोबारा कह रहे हैं तो दोबारा कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं तो हमने इसको चेंज कर दिया सेड दैट में। देखिए दोस्तों बताया गया पीछे भी आपको कि हमारा इतना सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, इतना दोस्तों हमारा असर्टिव में एंड इतना हमारा इंपरेटिव में। तो दोस्तों उसको इसी प्रकार चेंज भी कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। द टीचर बिकम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड डिस्टर्ब द क्लास इन दैट वे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मैं तुमसे पहले ही कहा है तो इसको चेंज कर दिया हमने। ही सेड उसने कहा दैट कि ही मतलब द टीचर हाई टोल्ड हिम अध्यापक ने दोस्तों इसको पहले कह दिया है। बिफोर दैट व्हेन देखे दोस्तों यहाँ पे हमारा यू था दोस्तों ये अपडेट के लिए आया था इसलिए इसको चेंज कर दिया हमने यहाँ पे हिम में। और इसके बाद देखिए हमारा जो आई है सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आया इसको चेंज कर दिया हमने फिर से यहाँ पे आई में। और देखिए दोस्तों हमारा जो है टेंस था उसको हम चेंज करेंगे टेंस के अनुसार से ही। ओके दोस्तों और देखिए यहाँ पे जो आगे बात कह दिया गया है यहाँ पे जो साइलेंट तक बात पूरी हो गई हमारी। फिर देखिए यहाँ पे कहा लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न अगेन। अब देखिए दोस्तों इतना जब पार्ट जोड़ेंगे हम लोग तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हमारा ये है कि यहाँ पे हमारा जो इसका वर्ब है उसको सही प्रकार से यूज करना है। देखिए एंड ऑर्डर्ड और देखिए बोल रहा है कि ऐसे कर सकते हैं आप एंड द टीचर ऑर्डर्ड या ही ऑर्डर्ड। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से दोस्तों इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा कंजक्शन टू टू लीव द रूम एंड डू नॉट। या दोस्तों क्या कर सकते हैं इसको हम लोग देखिए यहाँ पे नॉट टू लिखा था दोस्तों तो इसको हम चेंज कर देंगे डू नॉट में। ओ सॉरी दोस्तों देखिए डू नॉट को हम चेंज कर देंगे दोस्तों यहाँ पे नॉट टू में। यदि आप कभी आप चेंज नहीं करते हैं डू नॉट रखते हैं दोस्तों फिर भी आपका आंसर सही रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा He ordered या ordered to leave the room and not to या do not कर देंगे दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों बताएगा कि आप इसको इतना भी चेंज कर सकते हैं इतने में भी He has not to return again और देखिए टुडे बन जाएगा हमारा दैट डे। दोस्तों बहुत ईजी लेकिन थोड़ा से कंफ्यूज करने वाला बताने वाला सेंटेंस कुछ भी नहीं है। और ये तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अब। लिखा गया है द रोबर सेड टू एलेक्जेंडर आई एम दी इसे बोलते हैं दाई कैप्टिव आई मस्ट हियर व्हाट दो आर्ट प्लीज टू से एंड इंड्योर व्हाट दो आर्ट बीइंग टू इंप्लाइड बट माय सोल इज अनकंक्यूड। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस बहुत ही इजी है तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पर हम लोग बढ़िया से। देखिए द रोबर और सेड टू कुछ दोस्तों टोल्ड में टोल्ड एलेक्जेंडर कंजक्शन दैट आए और दोस्तों आई चेंज कर दिया हमने इसके अनुसार से बन गया हमारा ही। और देखिए दोस्तों हमारा सिंपल प्रेजेंट बन गया सिंपल पास्ट वॉज कैप्टिव एंड देखिए हमने लगा दिया यहाँ पे एंड सेट और दोबारा फिर कहता है दैट कि आई देखिए आई चेंज करें दोस्तों इसके अनुसार बन जाएगा हमारे यहाँ पे ही। देखिए दोस्तों आई बन जाएगा हमारे यहाँ पे ही इसको आई को आप कर दीजिएगा। ही मस्ट हियर व्हाट दो आर्ट प्लीज्ड टू से एंड देखिए एंड इन ड्योर्ड देखिए दोस्तों यहाँ से आप ब्रश को हम कॉपी कर देंगे और इसका हम यहाँ पर टेंस जो है चेंज कर देंगे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग देखिए हमारा लिखा है क्वेश्चन सेंटेंस लिखा है द चेयरमैन सेड लेट अस पास ऑन द नेक्स्ट आइटम। देखिए दोस्तों यहाँ पे लेट अस करके फिर मिल गया आपको तो देखिए सेड को चेंज कर देना प्रपोज्ड में एंड देखिए कंजक्शन यहाँ पे दैट आएगा आस को चेंज कर देंगे वी या दे में लेट को दोस्तों चेंज कर देंगे शुड में और आगे सेंटेंस को सेम हम कॉपी कर देंगे। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा द चेयरमैन प्रपोज्ड दैट वी या दे शुड पास ऑन द नेक्स्ट आइटम। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है द रिफ्यूजी वुमेन सेड टू द शॉपकीपर प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चाइल्ड। देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे प्लीज या काइंडली या सर मैम करके मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्टिंग करने का भाव आता है रिक्वेस्ट करने का भाव है। तो दोस्तों इसको देखते हुए हम लोग जो है हमेशा ये सेड को चेंज कर देंगे हम लोग
रिक्वेस्टेड में, या दोस्तों चेंज कर देते हैं इसको हम लोग आजेड में, आजेड में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक शरारती वुमेन ने, मतलब शरारती वुमेन ने दुकानदार से कहा कि प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, कि कृपया जो है उसके भूखे मर रहे बच्चों की सहायता करें। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल हमारा सेंटेंस आएगा, इसका आंसर द रिफ्यूजी वुमेन रिक्वेस्टेड दैट। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लीज को रिमूव कर देंगे हम लोग। देखिए जो भी हमारा कभी भी पार्ट इसमें प्लीज काइंडली सर मैम करके आएगा, कभी दोस्तों इसको डायरेक्ट में हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, और जहाँ पे हमारा होता है यहाँ पे वर्ब, वहाँ पे कंजंक्शन टू लगा सेंटेंस के पार्ट को दोस्तों हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो देखिए जाएगा द रिफ्यूजी वुमेन रिक्वेस्टेड शॉपकीपर टू हेल्प, और देखिए दोस्तों माय को चेंज कर दिया हमने इसके सब्जेक्ट के अनुसार से दोस्तों, जो कि हमारा पोसेसिव केस में है दोस्तों, इसलिए हमारा ये बन गया हर स्टार्विंग चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा आगे सेंटेंस हमारा ही सेड लेट मी गो टू जू। देखिए दोस्तों लेट मी जो जब कभी भी सेंटेंस में मिल जाएगा आपको लेट मी करके, तो देखिए जो लेट मी होता है दोस्तों हमेशा वो विनती करने का भाव दिखाता है। देखिए पीछे बताया गया जब आपको लेटस मिलेगा तो दोस्तों उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब होते हैं उनको चेंज करते हैं दोस्तों हम लोग प्रपोज सजेस्टेड में। लेकिन जब कभी भी आपको अब यहाँ पे लेट मी करके दोस्तों मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि हमारे सेंटेंस में दोस्तों विनती की जा रही है, इसको देख करके दोस्तों हमेशा जो हम सेड को चेंज कर देते हैं, सेड को चेंज कर देते हैं हम लोग रिक्वेस्टेड में। तो देखिए इसका आंसर आएगा यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड, और देखिए दोस्तों जब कभी आपको लेटस मिल जाता है तो वहाँ पे दोस्तों हमारा कंजक्शन आता है इनडायरेक्ट में दैट, लेकिन जब आपको मिल जाता है यहाँ पे लेट मी करके तो दोस्तों इसमें हमारा जो होता है लेट मी में जब हमारा इसमें कंजक्शन दोस्तों कभी भी दैट नहीं आता है, यहाँ पे हमारा कंजक्शन सिर्फ टू आता है। ओके दोस्तों, तो देखिए हो जाएगा हमारा ही रिक्वेस्टेड, और यहाँ पर देखिए लेट के साथ हमारा कंजक्शन टू आएगा टू लेट, और देखिए मी को चेंज कर दिया हमने इसके अनुसार से, बन गया दोस्तों हमारा ये हिम बन गया दोस्तों हमारा इसके अनुसार से हिम, और आगे दोस्तों जो कोई भी हमसे हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और देखिए टुमारो को चेंज कर देंगे बताया गया पीछे भी आपको द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये कि हम लेट मी को जो होता है वहाँ पे कभी भी कंजक्शन आपको यहाँ पे दैट नहीं लगाना दोस्तों, यहाँ कंजक्शन हमारा इसके साथ में टू ही आएगा। ओके दोस्तों, और देखिए इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों हम इस प्रकार से भी, यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड दैट, देखिए दोस्तों जब कभी आप यहाँ पे दैट लगाते हैं तो इसका दूसरा आंसर आता है हमारा इस प्रकार से आएगा, हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड कंजक्शन दोस्तों दैट आएगा दैट, फिर क्या आएगा यहाँ पे आई कर देंगे, देखिए मी को चेंज कर देंगे आई में, और उसके बाद में यहाँ पे आई के साथ दोस्तों लगाते हैं माइट, ये माइट और माइट के साथ आता माइट बी अलाउड टू। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से हम अगर कंजक्शन दैट लगाएंगे दोस्तों तो हमें इतना पार्ट जोड़ना पड़ता है उसको, इस मी को या किसी मतलब कि यहाँ पे प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में चेंज करने के बाद में ही, वैसे तो कोई जरूरत नहीं करने की आप लोग को, सिर्फ इसका आंसर लिखना आपको इसी प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, हो जाएगा यहाँ पे सी सेड हर पेरेंट्स स्टडे आई डो नॉट लाइक फिजिक्स, उसने कल अपने माता की तरफ से कहा कि मुझे फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान पसंद नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो स्पीच का सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि हमारा दोस्तों असर्टिव में है, तो इसको चेंज कर देंगे बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, और देखिए सेट टू को चेंज कर दिया हमने टोल्ड में, और हर पेरेंट्स हमारा सेम कॉपी हो गया दोस्तों, और बताया गया था पीछे भी आपको यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे था प्रीवियस डे में, और देखिए हमारा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हमारा कंजक्शन यहाँ पे दैट आ जाएगा, और आई को चेंज कर देंगे इसके हिसाब से हम लोग सी, और देखिए दोस्तों पीछे बताया गया था आपको कि डू नॉट हो चाहे आपका डज नॉट हो, इसको दोस्तों हम चेंज कर देते हैं ओनली केवल डिड नॉट में ही। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। देखिए उसकी माँ ने मुझसे पूछा तुम कितने साल के हो, तुम्हारी कितनी उम्र है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आ गया है। ओके दोस्तों, तो देखिए इसको देख करके हम लोग इसके जो सेट को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, तो आएगा हर मदर आस्क्ड और मी। अब देखिए दोस्तों आगे हमारा यहाँ पे कंजक्शन कोई भी नहीं आएगा, हाउ ओल्ड, उसके बाद देखिए ये हमारा बनेगा असर्टिव, तो पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए यू को चेंज कर दिया इसके अनुसार से हमने आई में, देन सिंपल प्रेजेंट बन गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका पूरा आंसर आ गया हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जया आस्क्ड रमेश व्हाट डू यू लिव। ओके दोस्तों नहीं सॉरी दोस्तों वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे फिर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दोस्तों आ गया, हो जाएगा इसका जया। और देखिए आस्क को दोस्तों हम लोग चेंज करेंगे आस्क्ड में ही रमेश, और इसका कंजक्शन हमारा कुछ नहीं आएगा दोस्तों, हमारा डब्ल्यू स्टेप खुद आएगा यहाँ पे। और देख लीजिए जब कभी भी दोस्तों आपको यहाँ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव पार्ट में कभी अगर आपको केवल डू मिल जाता है या दोस्तों डज करके मिल जाता है, डू या डच करके मिल जाएगा दोस्तों, तो कभी भी हमारा ये जो है डिड में चेंज नहीं होता है दोस्तों, ये दोनों हट करके हमारे बन जाते हैं आकर के यहाँ पे वर्ब के को बन जाते हैं दोस्तों सेकेंड फॉर्म के रूप में। ओके तो इसका देखिए आंसर आएगा जया आस्क्ड रमेश वेयर, और देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों और उसके बाद में डू को चेंज करेंगे यहाँ पे इसके सेकेंड फॉर्म के रूप में, तो बन जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे लिव्ड। देखिए जब भी ये डू हटेगा दोस्तों तो हमेशा जो भी हमारा वर्ब होगा वहाँ पे उसका सेकंड फॉर्म ही लगाना है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू कम सो लेट टुडे। अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा आज तुम लेट में क्यों आए हो, इतनी लेट में क्यों आए हो। तो देखिए दोस्तों ये भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव ही है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा द टीचर सेट टू बनेगा दोस्तों आस्क्ड द स्टूडेंट, कंजक्शन कोई नहीं आएगा वाई, और देखिए यू चेंज कर देंगे इसका अनुसार बनेगा हमारा ही एंड उसका दोस्तों हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हाइड, बताएगा था पीछे भी आपको कि दोस्तों हाइड को आपको चेंज कर देना हाइड में ही। ये कहाँ गया, ये नीचे आएगा। देखिए दोस्तों बताया गया था पीछे ही आपको कि हैज और हैव को आपको बदल देना है हैड के रूप में, मतलब दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ओके दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर द टीचर आज द स्टूडेंट वाई ही हाइड कम। देखिए दोस्तों कम को हम लोग गो में चेंज कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं दोस्तों, यदि आप चेंज नहीं करते हैं तो फिर भी आपका एक कम का रूप जो इसका वो सही रहेगा। ओके और देखिए बता दिया गया था आपको पहले कि टू डे बन जाएगा हमारा दैट डे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है द मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। माँ ने अपनी बेटी से कहा डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, बाहर धूप में मत खेलो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कोई चीज़ के लिए आपको ऑर्डर या एडवाइस देने की भाव आ रहा है। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में तीन भाव मिलेगा आपको, ऑर्डर हो चाहे एडवाइस हो या दोस्तों मिल जाए रिक्वेस्ट करने का, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं इसके दोस्तों मीनिंग के अनुसार से हम लोग इसका जो रिपीटिंग वर्ब होता है दोस्तों उसको हम चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड में या तो एडवाइज्ड में या तो रिक्वेस्टेड में। ओके दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका नेगेटिव फॉर्मेट आया, तो क्या करना है जब कभी भी दोस्तों आपको यहाँ पे डू नॉट मिलेगा तो यहाँ पे जो भी भाव रहेगा हमारा दोस्तों उसी के अनुसार से हमारा यहाँ पे जो वर्ब आता है, यदि यहाँ पे भाव ऑर्डर का है दोस्तों तो यहाँ पे ऑर्डर्ड आएगा, यदि भाव दोस्तों हमारा यहाँ पे एडवाइस का है तो यहाँ एडवाइज्ड आएगा, यदि यहाँ भाव हमारा रिक्वेस्ट का दोस्तों तो यहाँ रिक्वेस्टेड का आएगा। ओके दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा
मदर सेट टू बन जाएगा दोस्तों ऑर्डर्ड हर डॉटर। और देखिए डू नॉट को दोस्तों हम चेंज कर देंगे नॉट टू में। देखिए जब कभी भी यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस हो दोस्तों और ऑर्डर देने की बात आए, कुछ भी बात आए, तो यहाँ पे आपको कभी भी डू को दोस्तों डिड नॉट में आपको चेंज नहीं करना है। ये केवल दोस्तों हमारा बन जाता है असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों, इंट्रोगेटिव में ऐसा, सॉरी दोस्तों इंपरेटिव में ऐसा वो नहीं बनता है। तो देखिए डू नॉट दोस्तों बन जाएगा हमारा नॉट टू, उसके बाद आगे दोस्तों हमारा सेंटेंस कॉपी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार बता दिया गया आपको कि जैसे बताया अभी हमने आपको कि इसकी मीनिंग के अनुसार से आपको इसके वर्ब को चेंज कर देना, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में। लेकिन दोस्तों आप इसको जो है जब कभी आपको नेगेटिव फॉर्मेट में आए तो इसको आप फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये सेट टू को या सेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड में। लेकिन दोस्तों इसमें शर्त हमारी क्या है, जब हमारा यहाँ फॉरवर्ड आएगा दोस्तों तो कभी भी हमारा यहाँ पे ये डू नॉट नॉट टू नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हमारा कंजक्शन टू आएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। तो दोस्तों फॉरवर्ड के साथ में नॉट नहीं लेता, ओनली हमारा कंजक्शन यहाँ पे टू आता है केवल बस। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है ही सेड टू हिज मास्टर पर्डन मी सर, उसने अपने मास्टर से अपने अध्यापक से रिक्वेस्ट किया। देखिए दोस्तों पीछे बता देगा जब कभी भी सेंटेंस में आपको सर मैम या प्लीज काइंडली करके मिल जाएगा तो वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो मीनिंग आता है दोस्तों भाव, उसका जो भाव आता है वो रिक्वेस्ट करने का ही भाव आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये ही, देखिए दोस्तों सेट टू बन गया हमारा रिक्वेस्टेड हिज मदर। और देखिए यहाँ पे बताया गया था जब कभी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से तो दोस्तों वहाँ हमारा कंजक्शन टू आ जाता है। तो पर्डन मी या पर्डन हिम, देखिए दोस्तों मी बन गया हमारा हिम में। और पीछे बताया गया था कि कभी भी हम लोग जो हमारे इसमें वर्ड आता है प्लीज़ काइंडली सर मैम दोस्तों, कभी उसको इनडायरेक्ट में हम लोग यूज नहीं करते, उसको रिमूव कर देते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा लिखा गया यहाँ पे ही सेड टू देम गुड बाय ऑल, गुड बाय माई फ्रेंड्स, उसने जो है अपने मित्रों से कहा गुड बाय। तो देखिए दोस्तों पीछे बताया गया था आपको जब कभी भी सेंटेंस में आपको स्पीच में आपको मिल जाएगा गुड बाय या दोस्तों गुड नाइट करके मिल जाएगा तो दोस्तों इनके भाव को हम लोग प्रकट करने के लिए सेंटेंस में दोस्तों हम लोग सेड को या सेड टू को चेंज कर देते हैं बेड में। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है सीधे यहाँ पे आता है और जो हमारा दोस्तों यहाँ पे जो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग ग्रीटिंग करना दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा ये गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड कुछ भी करके दोस्तों आता है, जो हम किसी को नमस्कार या कोई कुछ भी कहते हैं दोस्तों, दोस्तों इनको बोलते हैं ग्रीटिंग करना। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है ये तुरंत अपने अपडेट के यहाँ पे बाद आ जाता है। तो इसको चेंज कर देना आपको ही बेड और देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड को चेंज कर देना दोस्तों यहाँ पे हिज फ्रेंड में और देन हमारा यहाँ पे ग्रीटिंग का वर्ड आ जाएगा। तो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया है कॉमा, यदि आप कॉमा लगाएंगे फिर भी आपका आंसर वो सही रहेगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है द टीचर सेट द सन सेट्स इन द वेस्ट, अध्यापक ने कहा सूर्य पश्चिम में छिपता है। देखिए दोस्तों पीछे पढ़ाया भी गया था आपको उस पहले वीडियो में कि जब कभी भी आपको कोई अपवाद मिल जाएगा तो कभी भी दोस्तों हम इसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कभी भी दोस्तों कोई भी आपको यहाँ पे अपवाद मिल जाएगा, इसको दोस्तों बोलते हैं जिसने हम लोग एक्सेप्शन, तो दोस्तों उस कंडीशन में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वो किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर, चाहे पास्ट टेंस में हो, कभी भी दोस्तों हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके दोस्तों तो इसका आंसर बहुत ईजी हो जाएगा द टीचर सेड
कंजक्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे दैट आएगा, उसके बाद हमारा जो भी सेंटेंस का पार्ट हो सेम कॉपी हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है ही सेड लेट्स स्टॉप हेयर फॉर अ वाइल, उसने कहा कि आओ यहाँ पे कुछ समय तक रोकते हैं। देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पे पलट करके आपका लेट्स करके आ गया, और दोस्तों पीछे बताया था हमने कि जब कभी लेट्स आएगा या दोस्तों लेट अस करके आएगा उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पीछे बताया गया था आपको। देखिए हम समझते हैं प्रोसेस को, आप यहाँ पे आएगा ही, और देखिए दोस्तों लेट अस को देख करके हम लोग चेंज कर देंगे यहाँ पे सेट को प्रपोज सजेस्टेड में, और दोस्तों बताया कंजक्शन दैट आएगा, और यहाँ पे जो अस होता है वो चेंज हो जाता है हमारा वी या दे में, और लेट का हमारा बन जाता है शुड। और आगे दोस्तों हम सेंस को कॉपी कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग लिखा है यहाँ पे, सरला सेड टू बिमला विल यू कॉल मी इन द इवनिंग, बिमला सेड यस। देखिए दोस्तों सरला ने बिमला से पूछा कि क्या तुम शाम को मुझे बुलाओगी, और बिमला ने दोस्तों जवाब दिया कि हाँ वह उसे बुलाएगी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं पूरा हम लोग। देखिए दोस्तों इसका आंसर नीचे दिया गया है, लिखा है। अब देखिए दोस्तों इतना पार्ट हमारा ध्यान थोड़ा देने वाली बात है, इतना पार्ट ध्यान देने बात है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सरला सेड टू, दोस्तों बनेगा हमारा आस्क्ड, यहाँ पे आएगा बिमला। अब देखिए दोस्तों कंजक्शन आएगा इफ है वेदर बताओगे वैसे भी आपको, देन देखिए दोस्तों हमारा यू इसके लिए आया अपडेट के लिए, इसलिए दोस्तों हमारा बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी। लेकिन दोस्तों पीछे बताया गया था आपको जब कभी भी आपको सेम जेंडर मिल जाएगा तो दोस्तों उसको सही प्रकार शो करने के लिए प्रोनाउन के साथ में ब्रेकेट में दोस्तों उस नाउन का जो होता है यूज करना पड़ता है, इसके लिए हमारा प्रोनाउन वो आया रहता है। ओके दोस्तों तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे सरला आस्क्ड बिमला इफ सी, और देखे दोस्तों वुड बन जाएगा हमारा, देखे दोस्तों विल बन जाएगा हमारा वुड, और उसके बाद में आगे सेम कॉपी कर देंगे इन देने। और देखे दोस्तों यहाँ पे फिर बिमला जवाब देती सी, बिमला सेड यस, बिमला ने कहा हाँ। तो देखो दोस्तों पीछे बताया गया था आपको कि हम बिमला, और जब कभी दोस्तों यहाँ पी एस या नो करके आएगा तो हमारा जो सेड होता है उसको चेंज कर देते हैं रिप्लाइड में या आंसर्ड में, और उसके बाद में दैट कंजक्शन आएगा दोस्तों, और पीछे बताएगा जो कोई भी आपका यहाँ का सब्जेक्ट होता है एपिंग होता है दोस्तों वो हमारा करके यहाँ पे सेम कॉपी हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बिमला रिप्लाइड दैट सी वुड। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका यह करके दे दिया गया कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा आएगा तो दोस्तों कह देंगे बिमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और दोस्तों जब कभी आपका यहाँ पे नो करके आएगा तो दोस्तों इसको कह सकते हैं हम लोग बिमला रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक्स अलॉट, थैंक्स वेरी मच।